अगेन वेलकम टू लॉजिक्स द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. आज लेक्चर 15 में हम एक्सरसाइज 4.1 करना शुरू कर रहे हैं. मैंने दो क्वेश्चंस यहां पे कॉपी किए हैं बुक से. पहला है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट. कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर 14 में अच्छे से स्टडी किया है और अब हम एक्सरसाइज करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट 2, 4, -5, -1. आप जानते हो जैसे आपको समझाया था कि डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे 2x2 ऑर्डर का, राइट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट. तो यानी मल्टीप्लाई कीजिए 2 × -1 - -5 × 4. दैट्स ऑल, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर. तो -2 + 20 वैल्यू आ गई आपके पास, जस्ट 18. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा. आपको डिटरमिनेंट गिवन है, आपने फिर वही किया राइट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट. cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा -sin थीटा, तो -sin स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट क्या हुआ ये कि cos स्क्वायर थीटा +sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1. तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1. नेक्स्ट पार्ट x square minus x plus 1. Again, right left minus left right. x square minus x plus 1. ध्यान से देखिए किस चीज का फॉर्मूला है ये. आपके पास a plus b, a square plus b square minus ab, a cube plus b cube. तो ये आपके पास है x cube plus 1 cube. Next, आपके पास ये क्या फॉर्मूला है, x plus 1 x minus 1, a plus b into a minus b, a square minus b square. आपके पास बना ये x square minus 1. अब यानी 1 square, x cube plus 1 minus x square plus 1. तो आपके पास आ गया आंसर x cube minus x square plus 2. क्वेश्चन नंबर 3, यू आर गिवन अ डिटरमिनेंट a. If you say it is a matrix A, then put the symbol like that. Matrix A is this. Then show that determinant of 2A is equal to 4 times of determinant of A. अब A matrix आपको मैंने given है, दिया हुआ है. आपने twice of A find out करना है, तब आपने उसका determinant लेना है. Okay? हमने सबसे पहले determinant of A भी find out कर लिया, क्योंकि इसकी value भी मुझे ज़रूरत होगी. As I require 4 times of determinant A, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 × 1 = 2 - 4 × 2 = 8 - 6. Fine. अब twice of matrix A कितना होगा? Twice of matrix A means twice of 1, 2, 4 and 2. Right? आप जानते हो जब किसी matrix की किसी scalar से multiply होती है, if a matrix is multiplied by a scalar, then each element of the matrix will be multiplied by that scalar. Then 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 and 2 × 2 = 4. अब इसका determinant we will find out. Determinant of 2A is equal to determinant 2, 8, 4 and 4. 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32. Now 8 − 32 -24, right? Now, आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? Determinant of 2A is equal to 4 times of determinant A. आपने determinant 2A find out कर लिया -24. -24 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × -6. -6 क्या है? Determinant of A. तो आपके पास क्या आ गया? 4 times of determinant A. Hence proof, आपके पास आया 2A is equal to 4 times of determinant A. इस क्वेश्चन के साथ मुझे आपको एक मैसेज देना है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताना है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है. अब हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है और 20 मार्क्स का जो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर आने हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा अटेंटिव होना जरूरी है. मैं उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कि आप इस बात को समझें कि हमें छोटी छोटी बातों को अब मिस नहीं करना है. कि एक रिजल्ट आज आपको मैं बनाकर देती हूँ, आपको ध्यान दीजिए इस बात पर कि वी से इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, वट एवर मे बी, एंड k इज एनी स्केलर, k कोई स्केलर है, जैसे यहां पर k क्या था, 2 था, आपने मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर k से मल्टीप्लाई किया, 2, 3, 4, माइनस 1, वट एवर मे बी द वैल्यू, तो हम ये रिजल्ट एक प्रूफ करना चाहते हैं कि k a डिटरमिनेंट ऑफ k a, डिटरमिनेंट ऑफ k a विल बी इक्वल टू k रेस टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a. देखिए वही तो आपने प्रूफ किया यहां पर, a वाज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो ये क्या प्रूफ हुआ कि अगर आपने 2a लिखा हुआ था तो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a. 2 तो स्केलर है, k है, और n क्या है आपके पास यहां पर, 2 है. आप इसको इससे कंपेयर करके देखिए, एक ही बात है. सपोज एक ही छोटा सा और एग्जांपल लेती हूं मैं, वैसे कि अगर a आपके पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो आप मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं कहूं कि मेरे को वैल्यू निकालनी है 4a की, और a आपने ले लिया ऑर्डर 3 का, कितना ले लिया ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 4³ डिटरमिनेंट a. आप चाहो तो इसे प्रूफ करके भी देख सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अगर हम मैट्रिक्स a को 4 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लें, या पहले डिटरमिनेंट लेकर उसको 4³ से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे दोनों रिजल्ट सेम होंगे. बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हर रो हर कॉलम उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, आई मीन हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके कारण उतनी ही फोल्ड उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. अगेन क्वेश्चन ऑन द सेम पैटर्न, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ए, देन शो दैट 3 टाइम्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं. आपको अच्छी तरह आ गया डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, 0, 1, 2 and 0, 0, 4. आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, पहले आपने 1 लिखा, 4 1 0 0 -0 4 0 -0 2 then +1 0 -0. आपके पास वैल्यू आई, देखिए खत्म, ये भी खत्म, आपके पास आ गई वैल्यू 4. इसके बाद आपने 3 टाइम्स a फाइंड आउट किया, यानी कि मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई की, 3 की मल्टीप्लाई की 1 0 1 0 1 2 and 0 0 4. आप मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 3 0 3 0 3 6 and 0 0 12. अब आप डिटरमिनेंट 3 ए फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं. यहां पर भी हमने फर्स्ट रो के लिए, मैं लिख भी देती हूं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सिमिलरली एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, 3 टाइम्स आपने किया, 12 3 36 -0, आगे आ गया 0, सब खत्म, फिर आ गया 3 0 -0, खत्म, आपके पास आ गया 36 3 108. अब ध्यान से देखो आपको क्या प्रूफ करना था, 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए. आप बताइए 27 4 जा, इसको ब्रेक कर देते हैं, 27 4 जा ही तो 108 होता है, और 4 क्या चीज है, डिटरमिनेंट ए, थोड़ा सा एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल. आपने प्रूफ कर दिया कि डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हियर यू आर गिविंग टू इक्वल डिटरमिनेंट्स, आपको अननोन वैल्यू x फाइंड आउट करनी है. अब कैसे करेंगे आप, 1 2 2 -4 5 20 इज इक्वल टू 2x² -6 4 24 -18 इज इक्वल टू 2x² -24, दैट मीन्स 2x²
इक्वल टू 24 माइनस 18, 6 आ गया आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का, और मैंने आपको फोर्थ तक करके दिए हैं क्वेश्चंस, फिफ्थ और सिक्स आई होप एंड आई हैव फुल फेथ इन यू कि यू कैन डू, जस्ट आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट वेरी सिंपल, 2, 4, 3, 5 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स 2x, 3 एंड 5। आप कीजिए राइट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट, 5 2 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, यानी x इज इक्वल टू 2। फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1, सेम क्वेश्चन आपसे कहा है, x 18 ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2x थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में मेरी बुक में, कि 6 2 18 और 6 इधर आना था, 8 2 ये बाहर बैठा हुआ है बेचारा, गलत हो गया होगा। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपने राइट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट किया एज यूजुअल, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 18 2 36। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यहां आपके साथ एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। हमारी अगली एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट्स की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर 16 में करेंगे, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया है डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, यही तो मेरा मोटिवेशन है, और मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।